हे गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। आज हमारे पास है काफी सारे अपडेट्स YouTube कम्युनिटी के, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने वाले हैं ताजा खबर के बारे में। जी हां दोस्तों, एक न्यूज काफी वायरल हो रही है ताजा खबर से रिलेटेड की रानू मंडल ने कैमियो कराया इस वीडियो में। जैसे की आपको पता ही होगा रानू मंडल के बारे में, जो की वन नाइट स्टार बन गई थी। बैक टू ताजा खबर, ऐसा नहीं है, वो एक टीवी एक्ट्रेस है विवा रानी, जिन्होंने काफी सारे टीवी शोज कर चुके हैं। आप लोगों में से किन किन को लग रहा था की रानू मंडल है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बात ताजा खबर की हो रही, तो चलिए बात करते हैं भुवन बाम के बारे में। भुवन बाम का पॉडकास्ट आया विद मैन ऑफ कल्चर, जहां उन्होंने बात करे अपने अपकमिंग ढिंडोरा सीजन 2, ताजा खबर सीजन 2 के बारे में, और रिएक्ट करा पठान मूवी से रिलेटेड एंड कहा उनकी अपकमिंग वेब सीरीज जो कि अमेज़न मिनी टीवी पे आने वाले 26 जनवरी को। इनडायरेक्टली पूछना चाहते हो ढिंडोरा का सीजन 2 आएगा कि नहीं? हाँ, मतलब वो तो पूरी एक्सपेक्टेशन है कि वो आएगा। उसका वन पेजर तैयार है अभी, लास्ट वीक ही हुआ है। ओ, सीजन 2 आने वाला है। तो सीजन 2 तो आएगा ही आएगा, मतलब देयर इज नो डिनाइंग इन दैट, सीजन 2 आएगा ही आएगा। नाउ सी, आइदर देयर आर टू वेज टू गो अबाउट सीजन 2, आइदर वी पिक इट अप फ्रॉम वेयर वी हैव ड्रॉप्ड इट, और वी स्टार्ट ऑल टुगेदर न्यू समथिंग फ्रेश। ओके, क्योंकि फिर पता क्या होता है, मेरे को ये नोटिस किया मैंने कि जो सीजन 2 देखने आएगा वो कहेगा यार सीजन 1 भी देखना पड़ेगा। हां, समझ रहे हो। If you start afresh, then वो किसी के पास baggage नहीं होता कि यार पहले वो देखना पड़ेगा recap। मजे की बात ये है कि ताजा खबर के अभी कब आ रहा है, ताजा खबर के exactly 20 दिन बाद मेरी एक और वेब सीरीज आ रही है। ओ तो हम इंतजार में रहेंगे। हाँ, but it's for mini TV, it's for Amazon mini TV, and it's a slice of life kind of a love story basically। Okay। एक घर में ही शूट हुई है, घर के अंदर ही शूट हुई है, कपल की कहानी। अच्छा, शूटिंग डन। ओके, 26 को रिलीज है मतलब ऐसे? हां भाई, वो भाई भाई मैं इसलिए तो इनएक्टिव था YouTube पे। चले बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जो है एल्विस यादव आमिर माजिद से रिलेटेड। जी हां दोस्तों, इन पास्ट काफी सारे कंट्रोवर्सीज हुए इन सब के, नौ एक बार फिर आमिर माजिद ने पोक कराया एल्विस यादव को। जैसे कि एल्विस यादव कुछ दिनों पहले दुबई गए थे, वहां उन्होंने काफी सारे पोस्ट शेयर करे और बताया कि वो जी वैगन इम्पोर्ट करवाने वाले हैं दुबई से, जिससे रिलेटेड आमिर माजिद ने अपने ब्लॉग में कुछ ये कहते हुए पोक करा उन्हें। इंस्टाग्राम पे एक रील डाली थी भाई लोग अपनी G63 को लेके, एंड इस साल की एंडिंग तक ना तुम्हारे भाई ने पूरा सोच रखा है कि इस साल की एंडिंग तक ना अपने को ना G63 जी वैगन जो है वो लेनी लेनी है भाई। तुम्हारा भाई अभी इसी चीज का वेट कर रहा है कि जल्द से जल्द अपना G63 का प्लान करते हैं, ठीक है ना भाई। देखो मेन चीज क्या कि मैं ना भाई फर्ड नहीं मारता कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, मैं इम्पोर्ट करा रहा हूँ, मैं ये करा रहा हूँ। सारी की सारी गाड़ी ना भाई अपने इंडिया में। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जो कि आ रही हनी सिंह की तरफ से। हनी सिंह ने रिएक्ट करा उर्फी जावेद के ऊपर, उनका एक स्टेटमेंट आया उर्फी जावेद से रिलेटेड। उन्होंने लिखा, आई रियली लाइक द किड उर्फी, शी इज वेरी बोल्ड एंड ब्रेव, जो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती है। आई थिंक ऑल द गर्ल्स ऑफ आवर कंट्री शुड लर्न समथिंग फ्रॉम हर। नेक्स्ट अपडेट आ रही थगेश की तरफ से। जैसे कि थगेश का मोस्ट अवेटेड टॉक शो जो आ रहा है द थगेश शो, जिसमें काफी सारे सेलिब्रिटीज दिखेंगे आपको करते हुए बातचीत एंड मस्ती। थगेश ने एक ट्वीट करते हुए लिखा, बहुत ही मेहनत और वक्त इन्वेस्ट करा, उत्साह के साथ इस प्रोजेक्ट को अनाउंस कर रहा हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, प्रेजेंटिंग टू यू द थगेश शो, कैन यू गेस हमारे फर्स्ट गेस्ट कौन होंगे। कमेंट्स में काफी सारे लोगों ने लिखा कि भुवन बाम हो सकते हैं इनके अगले गेस्ट। नेक्स्ट अपडेट आ रही KGF 3 से रिलेटेड। KGF 3 से रिलेटेड न्यूज आ रही कि वो 2025 में ये मूवी रिलीज हो सकती है, एंड कुछ न्यूज के मुताबिक इसमें प्रभास भी दिख सकते हैं। एंड अपकमिंग KGF सीरीज में यस नहीं हो सकते हैं इसका पार्ट। नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो की आ रही क्रेजी दीप की तरफ से। क्या क्रेजी दीप सौरभ जोशी, एल्विस यादव या लक्ष्य चौधरी को रोस्ट करने वाले हैं? उन्होंने कम्युनिटी पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, नेक्स्ट वीडियो एक फ्रेंड पे है जो एक बड़े यूट्यूबर हैं, पर मेरे दोस्त भी, गेस करो कौन है, हिंट ही इज ब्लॉगर। उसके बाद काफी सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखा, एल्विस यादव, लक्ष्य चौधरी या सौरभ जोशी हो सकते हैं उनके नेक्स्ट वीडियो में। बात सौरभ जोशी की हो रही, तो कपल ऑफ वीक्स पहले उन्होंने बताया था कि वो दुबई जाने वाले हैं अपने म्यूजिक प्रोजेक्ट के लिए। फाइनली उसकी शूट अब जल्दी स्टार्ट होने वाली है, एंड इस पे अपडेट देते हुए उन्होंने कुछ ये कहा अपने ब्लॉग में। मम्मी जी गुड न्यूज, पापा जी गुड न्यूज। मम्मी पापा के पासपोर्ट आ चुके हैं फाइनली, अब हम जा सकते हैं दुबई मम्मी पापा को लेके।
नेक्स्ट अपडेट आ रही है अवियन न्यू की तरफ से। तो क्या अवियन न्यू अपना नया चैनल ओपन करने वाले हैं, वो भी रोस्टिंग चैनल, जैसे कि वो अपने वर्क से रिलेटेड काफी सारी हायरिंग भी कर रहे हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? उन्होंने एक ट्वीट करते हुए लिखा, आई थिंक आई शुड स्टार्ट अ रोस्टिंग चैनल फॉर ऑल द मीन कमेंट्स वी गेट एंड शो देम कि बाप आप होता है। नेक्स्ट अपडेट आ रही टुगेट इंसान की तरफ से। टुगेट इंसान पुनीत सुपरस्टार कोलैब वीडियो आ चुका है एंड टुगेट इंसान ने शेयर किया एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट पुनीत सुपरस्टार के बारे में कि उन्होंने लिए हैं 20,000 इस पॉडकास्ट के लिए। चलिए देखते हैं वो वीडियो क्लिप। 20,000 रुपए लेकर तुम आए हो यहाँ पे शूट पे यार, पैसे लेके अब कितना भी ना पूछूं मैं। साले एक बार होता 20,000 रुपए, एक बार तेरी जेब में है 20,000 रुपए, तो मुझे 20,000 रुपए दे रहा है, ये बारा तेरे पास तो खुद नहीं है साले। ओए पैसे लेके तो तुम शूट पे आए हो, है चप्पल चोर भिखारी मेरे को बोल रहे हो, पैसे लेके तुम शूट पे आए और उसके बाद मेरे को क्वेश्चन भी नहीं पूछने दे रहे। चोर साले मेरे बात सुनो, मेरे घर वालों के माँ बाप के टुकड़े में बोल रहा है, अपने बाप पूरे दिन भर खर्चा चला रहा है। नेक्स्ट अपडेट आ रही पूरब झा की तरफ। जैसे की आपको पता है की पूरब झा हर्ष बेनीवाल के टीम मेंबर है, हाल ही में उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल भी बनाया है। पूरब झा के 2023 में काफी सारे वेब सीरीज एंड प्रोजेक्ट आने वाले हैं, जिससे रिलेटेड उन्होंने एक वीडियो शेयर करा। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नेक्स्ट अपडेट आ रही राउंड टू हेल की तरफ से। राउंड टू हेल की न्यू वीडियो ज़ॉम्बी द लिविंग डेड ने क्रॉस कर लिया 30 मिलियन व्यूज। चलिए बात कर लेते हैं कुछ बोनस अपडेट के बारे में। अगर आप भी प्लेग्राउंड शो के फैंस तो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं प्लेग्राउंड सीजन 2 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड न्यूज। प्लेग्राउंड ट्रायल स्टार्ट हो रहा है 11 जनवरी से ऑन Amazon मिनी टीवी, सो देखना ना भूलें। गाइस अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले न्यूज अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप अपने ख्याल रखें, न्यूज मास्क एंड मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। स्टे ट्यून्ड टिल द नेक्स्ट अपडेट, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को।